भीमपुर घटना, जिस समय घटना हुई पूरे देश के अंदर एक दुख की स्थिति थी। चार किसानों को गाड़ी के साथ रोक दिया गया, उसके बाद जो शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर वहां पर जैसे ही पहुंचे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी पानीपत के संजय चौक से रोस यात्रा शुरू करने जा रही है और तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे पानीपत से ही क्यों, हमारे साथ साथी हमारे पानीपत से ही क्यों। जैसे में प्रियंका गांधी को यूपी के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, ऐसे में हम राजनीति का आप नजरिया क्या देखते हो? देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ, जो किसानों के साथ हो रहा है पिछले एक वर्षों से वह एक निंदा करने वाली और घोर गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार में जो कहते थे माननीय मोदी जी कि किसानों के हित में आएंगे, देश को बचाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, जब देश का अन्नदाता ही नहीं सुखी रहेगा तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ किसान आगे कैसे जाएगा? जो दूसरों को अन्न खिलाता है जिससे हमारा पेट, आपका पेट भरता है, सभी लोगों का पेट भरता है, ये भाजपा के लोग भी अनाज ही खाते होंगे जो किसान उगाते हैं। आज के टाइम में किसानों के साथ क्या हो रहा है? भाजपा की गाड़ी आती है, किसान प्रदर्शन शांतिपूर्व करते हैं और उन्हें रोन दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। खैर, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता इन भाजपा के बारों में। ये भाजपा के मंत्री संबित पात्रा का हाल ही में बयान आया, मैंने कल सुना, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी राजनीति रही है कि दूसरों के दुख पे अपने राजनीति के रोटियां सेकना। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हाथरस भी गए थे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका हाथरस भी गई थी ना, वहाँ वो रोक पाए थे, और कल लखीमपुर भी गए हैं, वो परिवार से मिले, उनको शांति दी। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार किया, भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा वालों को उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पाऊँगा। उन किसानों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ जो शहीद हो गए देश के लिए। अग्रवाल जी, ऐसे में देखा जाए जहाँ पूरे देश के अंदर किसान जो है आंदोलन पर बैठे हैं, 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पार्टियां घरों से बाहर निकलाई है, हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, ऐसे में बीजेपी के जो नेता है एसी के नीचे बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये तो धक्के से बनी हुई सरकार है, कोई जनता के जनमत से बनी हुई सरकार नहीं है। इनको पब्लिक के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी ऐश परस्ती से, अपने ऐशो आराम से मतलब है, क्योंकि हमारे किसान भाई पिछले तकरीबन अब साल ही हो जाएगा 26 तारीख को, एक साल से सड़कों पर बैठे हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन इस निकम्मी भाजपा सरकार की काम पर जूं तक निकलेंगी। आप देख रहे होंगे हमारे तकरीबन 700 किसान शहीद हो चुके हैं, और अभी लखनपुर खीरी में इन्होंने जिस बर्बरतापूर्वक हमारे किसानों की हत्या की है, इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? इनको किसी बात से कोई सरोकार नहीं है, और जनता इस बारे को बड़ी सबक सिखाने जा रही है। अग्रवाल जी, देखा जाए छत्तीसगढ़ का सीएम, पंजाब के सीएम जो कांग्रेस पार्टी के सीएम है, और सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बात करें प्रियंका गांधी जी को वहां पर रोक लिया गया, सोनिया गांधी जी को वहां पर रोक लिया गया, और बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा को वहां रोक लिया गया, इन नेताओं को वहां रोकने का जो है कानून की प्रक्रिया क्या मानते हो आप इसमें, किस तरीके की रूपरेखा होगी? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रियंका जी हो और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, वो सिर्फ उन किसानों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करने के लिए वहाँ जा रहे थे, उन्होंने तो राजनीतिक रैली नहीं करनी थी। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सिर्फ 2 व्यक्ति थे वहाँ पे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रियंका गांधी जी, तो 2 आदमी में कौन सा मामला मच जाता, लेकिन ये लोग नहीं चाहते भी कोई भी व्यक्ति उनके प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करे, और ये सबसे बड़ी दुखदायी बात है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को मानते नहीं, लोकतंत्र की हत्या करना ही भाजपा का एकमात्र मकसद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको इस मकसद में कभी कामयाब क्यों नहीं देगी। हरियाणा के अंदर गुटबाजी मानी जाती है, क्या यहाँ पर तमाम नेता जो हरियाणा के हैं वे एक साथ मौजूद नजर आएंगे? 15 मिनट बाद देख लेना आप लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी
के झंडे के नीचे एकजुट होकर आज अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए और जो हमारे किसान भाइयों की हत्या की गई है उनको न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर पानीपत से लखनपुर खेरे के लिए यात्रा संजय चौक से आरंभ करेंगे। जी बिल्कुल, और भी जो तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है, बात करें तो हम पार्टी के बड़े लीडर हैं चंद्रमोहन जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसे में देखा जाए जहां पूरे देश के अंदर जो किसान है, अन्नदाता है, सड़कों पर बैठा है, उनके साथ जो दुर्घटना की जाती है, जो घटना की जाती है, फिर भी सरकार चुप क्यों है?